नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात कैसे आप सभी लोग आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे और सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना भी रहे होंगे और सारी चीजें खुपड़िया में बैठा भी रहे होंगे इतना तो मैं विश्वास करके चल रहा हूं अगर खुपड़िया में ना बैठे तो फिर पढ़ने का कोई भी प्रॉफिट नहीं है और करेंट जो होता है हर बार हम नया ही पढ़ते हैं करेंट जो है हर बार हम नया ही पढ़ते हैं इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करने की आवश्यकता हो जाती है और आप सभी को ज्यादा से ज्यादा रिविजन करते हुए चलना है सभी को पुनः गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाए जल्दी से तैयार हैं सभी लोग शामुन्ना जी किस संदर्भ में न्यूज देखना है टीचिंग वाले में या फिर बीपीएससी को लेकर दो चीजें है, हैं है, बिहार टीचर में अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है पहले क्या था कि केवल बिहार के लोग ही इसमें आएंगे अब भारत के सबके लिए खोल दिया गया है ठीक है तो ये चीजें हो गई कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ गया साथ ही साथ देखा जाए तो उनहत्तरवी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका फॉर्म जो है वो आपका पंद्रह जुलाई से भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा नहीं वीडियो तो आ रही है क्या सभी को वीडियो नहीं आ रही एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए तो एक बार सभी लोग कमेंट करें किसी को भी वीडियो नहीं आ रही ये किसी को आ भी रही है जिसको आ रही है वो आ, आ रही है वो कमेंट करें मैक्सिमम लोगों का यहां पर आ रही है ठीक है थीके? क्लियर तो आ रही है जिनका नहीं आ रहा है एक बार सभी लोग सेशन को रिफ्रेश कर लेंगे है ना दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे रिज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सबके सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो जाए ठीक है जिनको वीडियो नहीं आ रहा है वो सभी लोग क्या करेंगे रिज्वाइन करेंगे ठीक सभी लोग रिज्वाइन करेंगे और देखिए वैकेंसी को लेकर ऐसे तो सरकार ने कहा है ना कैबिनेट में ऐसी बात की गई है बीपीएससी ने भी थोड़ा ना मानना है है जिसको एग्जाम लेना है. तो देखिए क्या होता है ठीक तो प्रारंभ करें सब लोग तैयार हैं चलिए तो कल आप सबके कमेंट थे कि पुरस्कार करवा दीजिए है ना और आप लोगों ने नोबल पुरस्कार की बात की थी आज हम नोबल ही नहीं अपितु विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की चर्चा पर चर्चा करेंगे तो आज की टॉपिक आप सभी लोग डालेंगे पुरस्कार ठीक है अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे अवार्ड ठीक है तैयार हैं सभी लोग रेडी अभी भी वीडियो नहीं आ रही तो सब कुछ क्लियर चल रहा है वीडियो भी दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर है ना ऑडियो भी ऑडियो का ग्राफ भी दिख रहा है जो यहां पर चल रही है अच्छा रेडी नहीं है एक बार रिज्वाइन करेंगे सभी लोग जितने लोग हैं सब लोग एक बार रिज्वाइन कीजिएगा अगर नहीं आ रही तो मैं एक बार टेक्निकल टीम से भी बात करूंगा है ना मैं एक बार मैसेज कर देता हूं रिज्वाइन करने के बाद भी नहीं आ रही है चलिए मैंने मैसेज कर दिया है दो मिनट में है ना चलिए मैंने मैसेज कर दिया है दो से तीन मिनट में वो लोग लो यहां पर आ जाएंगे अब मैक्सिमम लोगों को तो यहाँ पर दिखाई दे रहे थे तो फिर हम क्या करें है ना किसी को छोड़ के चल भी नहीं सकते मैक्सिमम लोगों पर एक वीडियो आ रही है चलिए मैक्सिमम लोगों को यहां पर आ रही है है ना तो तब तक सुन के लिखिए आप सभी लोग है ना तब तक आप सभी लोग यहाँ पर सुन सुनकर लिखिए बाकी चीजें यहाँ पर करते हैं लेकिन धीरे धीरे करेंगे ताकि आप सभी लोग यहाँ पर सुन सुनकर भी लिखे मैंने मैसेज कर दिया है ठीक क्लियर चलिए तो पुरस्कार लिखेंगे सबसे पहले और यहाँ पर एक एक पुरस्कारों को नोट डाउन करवाते हुए चलूंगा मैं है ना एक एक पुरस्कारों को नोट डाउन करवाते हुए चलूंगा ठीक सबसे पहले यहां पर लिखेगा पहला पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ये पुरस्कार जो अंतिम है ये 2022 के लिए दिया गया है और 2022 के लिए जो दिया गया है मात्र एक ही व्यक्ति को दिया गया है ना और इनका नाम क्या है शरत कमल अचंत शरत कमल अचंत ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं है ना टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इनको देखा जाए तो 2022 का है ना 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये यहां पर इनको दिया गया अभी कई लोगों को वीडियो नहीं आ रहा है चलिए एक मिनट मैं आ, बुला के ही लाता हूँ आप लोग एक मिनट वेट करेंगे है ना एक मिनट वेट करेंगे मैं अभी आ रहा हूँ ठीक चलती है कैसे करेंगे जैसे। है। एक मिनट मैं इधर से रिफ्रेश कर रहा हूं आप लोग वेट कीजिएगा बस एक मिनट अब एक बार बताएं सभी लोग आप बाराज़ सबको क्या अब सभी को आ रहा है वीडियो ऑडियो सब ठीक है ऑल ओके चलिए तो अब शुरू करें पंकज जी का बस आ रहा है नोट ओके बाकी सबके है ना बाकी सबके यहाँ पर आ आ रहे हैं हैं तो तो अगर नहीं आ रहा है तो मैंने अपनी तरफ से रिफ्रेश करवा दिया टीम के द्वारा आप एक बार अपने आ, फिर से कर आप शायद यहाँ पर हो जाए ठीक है तो पहला लिख लिया आप सभी ने मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है ये शरद कमल अचंत को दिया गया है और ये जो खेल पुरस्कार होता है अगर किसी खिलाड़ी के द्वारा अपने खेल में लगभग चार वर्षों तक लगातार बेहतर प्रदर्शन किया जाता है तो ऐसे खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है पहले इसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था जिसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा चुका है ठीक है एक तो ये हो गया खेल में खेल में अगर हम दूसरा देखें है ना खेल में अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा यहाँ पर कौन सा दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ठीक है ना अर्जुन पुरस्कार जो है ये भी आपके खेल से संबंधित है लेकिन अब 25 लोगों को दिया गया है तो जहां पर 25 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बनते है ना यहाँ पर आपके प्रश्न नहीं बनते तो कुल 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे इसको हम यहीं पर क्या करते हैं तो इसको यहीं पर हम स्कीप करते हुए चलते हैं ठीक है अब थोड़ा सा आप सभी ने चेस की बातें की होगी है ना चेस के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा तो आइए थोड़ा सा हम पर चेस चेस की बात करते हैं और चेस के जो खिलाड़ी आपके होते हैं है ना चेस के जो खिलाड़ी होते हैं जो विजेता होते हैं उनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है ग्रैंड मास्टर ठीक है क्या कहा जाता है ग्रैंड मास्टर कहा जाता है तो हालिया कौन कौन से ग्रैंड मास्टर है आइए एक बार इनकी हम चर्चा पर चर्चा कर ले है ना पांच की हम बात कर लेते सबसे जो टॉपेस्ट है वो है अभी बिरासीवे नंबर के है ना बिरासीवे नंबर के एट्टी सेकेंड नंबर के हमारे कौन है और इनका नाम क्या है याद रखेगा वी प्रणीत इनका नाम क्या है तो इनका नाम है वी प्रणीत और इनकी बात करें तो ये आपके तेलंगाना से संबंधित है कहा से तेलंगाना से तो बिरासीवे हमारे ग्रैंड मास्टर कौन है बिरासीवे ग्रैंड मास्टर हमारे हैं वी प्रणीत है ना वी प्रणीत जो है तेलंगाना से संबंधित है और ये हमारे बिरासीवे क्या है बेरासीवे अच्छा पिछला स्लाइड नोट करना है है ना चले कर लीजिएगा पिछला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार अभी हमारे पास 2022 हजार ही डेटा है है ना तो तो पर देखा जाए तो कमल अचंत जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी है इनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो पच्चीस लोगों को दिया गया है और जहां लोगों को दिया जाता है वहां से आपके प्रश्न ना के बराबर बनते हैं ठीक है साथ ही साथ कई बार ये भी देखा गया है अन्य एग्जामों में कि ये भी पूछा गया किसके तहत कितने पैसे दिए जाते हैं तो ये भी लिख लीजिएगा अगर हम बात करें किसकी मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार की तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि इसके तहत 25 लाख रुपए जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाता है ठीक है वहीं अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार विजेता जो खिलाड़ी होते हैं है है। तो ये डेटा भी आप सभी लोग साथ में सम्मिलित कर सकते हैं ठीक है ठीक तो यहां पर ग्रैंड मास्टर हो गया पहले हमारे यहां पर जो लेटेस्ट हैं बिरासीवे हैं कौन है वी प्रणीत हैं ठीक है वी प्रणीत हो गए उसके पश्चात इक्यासीवे सयांतन दास थे है ना तो यहाँ पर इक्यासीवे की बात कर लें तो ये कौन थे सायंतन दास ठीक है कौन सायंतन दास जो है ये यह थे यहाँ पर इक्यासीवे नंबर के और बात करें कहाँ से संबंधित थे तो हमने पढ़ा था ये आपके कोलकाता से संबंधित है कहाँ से तो कोलकाता से ठीक है कोलकाता से और असिवा तीन ही लिखते हैं बहुत ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है तो यहां पर तीसरा आसिवे नंबर के जो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर थे इनका नाम क्या था तो इनका नाम था एन आर है ना क्या नाम था एन आर, आर और ये कहां से संबंधित है तो ये आपके चेन्नई से संबंधित है तो तीन यहां पर याद रखिएगा क्लियर हो गया वी प्रणित बिरासीवे नंबर इक्यासवे नंबर सायंतन दास और अस्सीवे नंबर आर क्लियर ग्रैंड मास्टर के लिए ग्रैंड मास्टर ही शब्द प्रयोग किया जाता है ठीक जितने भी न्यूज़पेपर में अभी तक मैंने पढ़ा है सब जगह वही है, है ना चलिए अब नोबल के लिए तैयार है सभी लोग नोबल कर लें हो गया मैं स्क्रीन से साइड ही रह रहा हूं ताकि आप सभी लोग फटाफट इसको लिखते हुए चले हो गया चलिए डन आइए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नोबल पुरस्कार की है ना तो सभी लोग डालेंगे यहां पर नोबल 2022 हिंदी में भी नोबल और अंग्रेजी में भी नोबल ठीक अगर इसकी बात करें नोबल, नोबल पुरस्कारों की तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स पीस और फिर यहां पर लिटरेचर और साथ ही साथ मेडिसिन या फिजियोलॉजी कहा जाता है इतने क्षेत्रों में आपके नोबल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते रहे हैं और यहाँ से आपके प्रश्न पूछ जाते रहे हैं तो तीन क्षेत्र एक तो हमारा केमिस्ट्री दूसरा फिजिक्स और तीसरा इकोनॉमिक्स इन तीन क्षेत्रों में देखा जाए तो तीन तीन लोगों को सामूहिक रूप से यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है आइए हम एक एक की चर्चा पर चर्चा करते हुए चलते हैं सबसे पहले हम किसकी बात कर ले सबसे पहले फिजिक्स की हम बात कर ले फिजिक्स अर्थात क्या हो जाएगा भौतिकी और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है ये तीन लोगों को सम्मिलित रूप से यहां पर दिया गया है ये तीन लोग कौन कौन से हैं? है ना तीनों के नाम आप सभी को याद होने चाहिए प्रश्न यहां से आपका बनता ही बनता है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात कर ले तो यहां पर एक व्यक्ति है एलिन एस्पेक्ट है ना एलिन एस्पेक्ट ठीक है एलिन एस्पेक्ट हो गए क्लियर दूसरी हम यहां पर बात करें दूसरा व्यक्ति कौन है तो दूसरा है जॉन क्लोजर दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है जॉन क्लोजर ठीक है तीसरा जो व्यक्ति है तीसरा व्यक्ति कौन है तो लिख लीजिएगा एंटोन जिलिंजर तीसरा व्यक्ति कौन है एंटोन जिलिंजर ठीक है इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से 2022 का भौतिकी के क्षेत्र में फिजिक्स के क्षेत्र में क्या किया गया है तो नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बात कर ले कौन कहा से संबंधित है तो ये आपके फ्रांस से हैं है ना? ये आपके फ्रांस से हैं। इनकी बात कर ले तो ये यूएसए से हैं और ये आपकी ऑस्ट्रिया से संबंधित है ठीक है तो देश भी आपसे पूछ ले जाता है तो इतनी सारी चीजें आप सभी लोग नोट डाउन कीजिएगा ठीक इलनास्पेक्ट जॉन क्लोजर और एंटोन जिलिंजर क्लियर हो गया नहीं ये 2022 वाले में कोई भी इंडियन नहीं है 2022 वाले में कोई भी इंडियन नहीं है डन चलिए बड़े आगे अगला लिखिएगा केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में रसायन के क्षेत्र में भी तीन लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है ये तीन कौन कौन है लिख लीजिएगा एक दो और तीन ठीक तीन लोग कौन कौन से तो एक है कैरोलिन बर्टोजी नाम क्या है इनका कैरोलिन बर्टोजी ठीक है दूसरा जो यहां पर नाम आपका आएगा वो है मोर्टेन मिल्डल नाम क्या है मोर्टेन मिल्डल ठीक है विदेशी नाम है ऐसे ही आएगा और तीसरा जो आपका यहां पर व्यक्ति है इनका नाम क्या है तो बेरी सार्पलेस नाम क्या है इनका तो इनका नाम है बेरी सार्पलेस ठीक है लिख लिया सबने तो कैरोल कैरोलिन बर्टोजी मोर्टेन मिल्डल और बेरी सार्पलेस ये तीनों को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री के क्षेत्र में रसायन के क्षेत्र में यहां पर क्या किया गया है तो इनके इनको सम्मिलित रूप से 2022 का नोबल पुरस्कार दिया गया है बात करें कौन कहां से संबंधित है तो लिख लीजिएगा है ना कैरोलिन बर्टोजी जो है संबंधित है संबंधित है ना और बेरिस ये भी आपके यूएसए से संबंधित है ठीक अच्छा टॉपिक टॉपिक नहीं पूछ जाएंगे है ना टॉपिक आपसे नहीं पूछ जाएंगे इनकी बात कर ले तो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री जो होता है ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया गया है जिसको ध्यान में रखते हुए आपकी ये रसायन के क्षेत्र में इनको सम्मिलित रूप से पुरस्कार दिया गया है ना तो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री हो गया वही फिजिक्स की बात कर ले तो जो यहाँ पर क्वांटम तकनीक है आपका क्वांटम फिजिक्स तो क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया गया है और वर्तमान समय में आपने पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर का भविष्य है सारे लोग कंप्यूटर वाले हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इससे क्या होगा उसकी स्पीड जो है और भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तेज हो जाएगा तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग आपका चल रहा है क्वांटम यांत्रिकी है क्वांटम मैकेनिक्स है इस क्षेत्र में काम करने के लिए जो फिजिक्स के क्षेत्र में तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से नोबल पुरस्कार दिया गया है ठीक है तो वो क्वांटम वाला आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और यहां पर हम बात कर लें तो किसमें ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में है ना बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री ठीक क्लियर चलिए अगला लिखिएगा केमिस्ट्री हो गया ना सबका डन है अच्छा नोबल में कितना अमाउंट मिलता है आप लोग थोड़ा सा बताइए तो है ना आप लोग थोड़ा सा बताइएगा नोबल में कितना अमाउंट यहाँ पर मिलता है डॉलर में मिलता है कितना डॉलर मिलता है सभी लोग बताए अगला लिखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ठीक है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यहां पर भी देखा जाए तीन लोगों को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये तीन लोग कौन कौन से हैं तो सबसे पहले व्यक्ति है बेन एस बनान के नाम क्या इनका बेन एस बरनान के ठीक है दूसरा यहां पर व्यक्ति देखे तो दूसरे जो यहां पर व्यक्ति है इनका नाम है डगलस डायमंड क्या नाम है डगलस डायमंड ठीक है और तीसरे जो यहां पर व्यक्ति है याद रखेगा इनका नाम है फिलिप डायबविक नाम क्या इनका फिलिप डायबिक इन तीनों को सम्मिलित रूप से रश देखा जाए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है बात करें कौन कहां से संबंधित है तो इसमें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है तीनों के तीनों जो हैं ये आपके यूएसए से संबंधित हैं। है ना तीनों के तीनों यूएसए से संबंधित हैं। बेन एस बर्नानके डगलस डायमंड फिलिप डायबिग ये तीनों के तीनों यूएसए से संबंधित है और तीनों को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार दिया गया है ठीक है देखा जाए तो क्या काम किया गया है तो जो बैंकों में वित्तीय संकट होते हैं इन वित्तीय संकट को कैसे दूर किया जा सके किस कैसे इससे निपटार किया जा सके इन सभी स्तर पर बड़े स्तर पर जो इनके द्वारा कार्य किए गए हैं इसी को ध्यान में रखते हुए 2022 का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ठीक है डन देखिए अब इनके मैं पहले ही बता दूं कि इनके नाम का ऐसा स्पेलिंग है अपने जैसा है नहीं कि राजेंद्र है तो राजेंद्र को हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है ना राजेंद्र को हमने ऐसे लिख दिया ऐसा नहीं है इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग स्पेलिंग कुछ अलग हो जाता है जिस कारण से मैं इसको अंग्रेजी में तो नहीं लिख पाऊंगा मैं पहले ही बता रहा हूँ ठीक है अंग्रेजी में तो इसको मैं नहीं लिख पाऊंगा स्पेलिंग गलत हो जाएगा आप सभी लोग कहेंगे कि सर जी गलत लिखवा रहे हैं ठीक तो इसलिए नाम जो है हिंदी में ही याद कीजिए है ना हिंदी में ही याद रहेगा तो एग्जाम में हमें लिखना थोड़ना है एग्जाम में ऑप्शन आएंगे और ऑप्शन देकर हम इजिली उसको टिक आउट कर लेंगे ठीक है इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए जो चीज में अगर गलती हो सकती है तो हम जान के क्यों गलती करें ठीक ऐसे नाम अब इसमें क्या क्या हो सकता है हम अपने इंडियन लैंग्वेज में लिखें तो बनान के को हम इजिली लिख सकते हैं लेकिन इनके लैंग्वेज में देखा जाए इनका नाम गलत हो जाएगा तो गलत लिखने से कोई भी यहाँ पर देखा जाए तो देखा जाए बहादुरी नहीं कहलाएगी सारे नाम तो इंग्लिश ही है ना शहबाजी इंग्लिश तो नाम है बेन एस बनान के इंग्लिश ही है डगलस डायमंड है ना फिलिप है ना? तो मैं पहले ही बता रहा हूँ इनके स्पेलिंग मुझे याद नहीं हुए क्योंकि तो स्पेलिंग देखा जाए एक ही बार इंग्लिश जितने मैं नोट्स बनाता हूँ सारे इंग्लिश मीडियम से ही बनाता हूँ द हिंदू हो गया उसके बाद आपकी इंडियन एक्सप्रेस हो गई द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया है ना इन सारे से मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ वहां पर नाम इंग्लिश में ही होता है लेकिन देखा जाए तो इंग्लिश वाला इनके ऐसे स्पेलिंग है जो याद नहीं कर याद हो ही नहीं पाते और बात करें याद बहुत कुछ करना है तो इनके नाम को हम क्यों याद रखें ठीक क्लियर बैंकों और वित्तीय संकटों पर इनके द्वारा रिसर्च किया गया इसको ध्यान में रखते हुए दिया गया ठीक हो गया सबका चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हम यहां पर देखें तो अगला लिखेगा साहित्य के क्षेत्र में है ना लिटरेचर ठीक है लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में तो साहित्य के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति है और इनका नाम क्या है इनका नाम है एनी एरनॉक्स एनी एरनॉक्स ठीक कहां से संबंधित है फ्रांस से संबंधित है और इनको देखा जाए तो साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया है ठीक क्यों देखिएगा कि इनके द्वारा जो इनके जितने भी नोवेल्स रहे हैं जितनी भी चीजें लिखी गई है उन सबके माध्यम से जो हमारा समाज है है ना हमारे समाज में जो मान लीजिए जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं है ना विभिन्न प्रकार की ऐसे प्रथाएं हैं जो पहले रूढ़िवादी रही है इन सबको अच्छे से यहाँ पर उजागर किया गया है लोगों को जागरूक किया गया है और इन सबको संदर्भ में रखते हुए लिटरेचर यानी कि साहित्य का जो नोबल पुरस्कार है वो इनको दिया गया है ठीक है क्लियर हो गया सबका बढ़िया आगे चलिए शाहिद तो हो गया अब यहां पर लिखेंगे सभी लोग शांति का पीस शांति ठीक है और शांति में देखा जाए तो दो यहां पर संगठन है और एक यहां पर व्यक्ति है यहां पर भी तीन नाम आपको देखने को मिलेगा तो दो संगठन है और एक व्यक्ति का नाम है व्यक्ति का नाम है एलेस बिया बिलिया है ना नाम इतना खतरनाक खतरनाक है हिंदी में भी प्रोनाउंस अगर तोड़ तोड़ के ना करे तो फिर गलत हो जाएगा है ना बियाली यात्सिकी नाम क्या है एलेस बियाली या ठीक है आप लिखिए ना इसका स्पेलिंग लिखिए अंग्रेजी में क्या हो जाएगा है ना अंग्रेजी में क्या हो जाएगा अगर कोई लिख पाए तो एक बार कमेंट करके लिखे थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख ही लेता हूँ है ना एलेस बियाली जो है इनको पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में 2022 का नोबल पुरस्कार दिया गया है इसके साथ साथ देखा जाए तो दो यहाँ पर संगठन भी है ना यहाँ पर दो क्या है तो दो संगठन भी है इन संगठन को और इस व्यक्ति को इस महिला को देखा जाए तो यहां पर क्या किया गया है तो शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया है एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है ना एक क्या है तो एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज एक तो ये हो गया और दूसरे का नाम शायद ओनली मेमोरियल है है ना ठीक तो ये दो संस्थाएं जो हैं ये और एक बियालियास की जो हैं इनको शांति का 2022 का नोबल पुरस्कार दिया गया है ठीक है सबके अलग अलग स्पेलिंग हारे है, है ना सबके अलग अलग स्पेलिंग आ रहे हैं और सही इसका किसी का नहीं है है ना सही किसी का नहीं इससे बढ़िया है कि हिंदी में ही लिख लो देवनागरी में लिख लो नाम तो अंग्रेजी ही है ठीक है इसका नाम है शायद रूसी मानवाधिकार संगठन तो एक यहां पर कौन सा हो गया रूसी मानवाधिकार संगठन ठीक है नोट डाउन कर लिया सबने हो गया सबका थर्ड लिख लीजिएगा रूसी मानवाधिकार संगठन है जिसको शायद इसका नाम मेमोरियल है है ना तो ये लिख लीजिएगा एक रूसी मानवाधिकार संगठन है दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और तीसरा एलेस जो है है ना ये आपकी बेलारूस से संबंधित है तो इनका देश भी आप सभी लोग लिख सकते हैं बेलारूस और यहाँ पर क्या है तो ये एक आ, वकील है यहां पर है ना अधिवक्ता है और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ठीक है क्लियर बढ़िया आगे चलिए अब हमारा कौन सा बच जाता है हाँ एक बचता है हमारा क्या चीज चिकित्सा के क्षेत्र में है ना तो अगला लिखिएगा यहां पर ठीक अगला चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है ठीक तो यहां पर एक ही नाम है एक ही व्यक्ति है और इनका नाम है स्वांते पाबो नाम क्या है स्वांते पाबो ठीक है, स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबल पुरस्कार दिया गया है ये आपके स्वीडन से संबंधित है कहां से तो स्वीडन से संबंधित है ठीक है स्वांते पाबो तो लिख लीजिएगा सभी लोग स्वांते ठीक क्लियर हो गया तो ये हमारा आ, नोबल पुरस्कार यहां पर कंप्लीट होता है इसमें हमने चिकित्सा भी देख लिया है ना फिर हमने शांति भी देख लिया फिर साहित्य भी देख लिया लिटरेचर फिर इकोनॉमिक्स हमने देख लिया केमिस्ट्री देख लिया और फिजिक्स देख लिया इतने क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया है ठीक आइए बात करते हैं इसके पश्चात और कौन कौन से पुरस्कार हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए ठीक है तो आइए एक बार यहाँ पर ध्यान रखेगा एक पुरस्कार लिखेगा यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार ठीक है साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी वाले भी अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में भी इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार ही कहा जाता है तो हिंदी हो या अंग्रेजी हो यहां पर लिखेगा है ना चिकित्सा कहा मेडि मेडिसिन या फिजियोलॉजी होता है ना मेडिसिन लिख लीजिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी ठीक क्लियर अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर देखेगा इसकी शुरुआत कब हुई थोड़ा सा आपके स्टेटिक जीके को भी मैं यहाँ पर कवर करते हुए चलता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी तो शुरुआत ध्यान रखिएगा आज से है ना कई वर्ष पहले यार था 1955 से जोड़ लीजिए कितना हो गया 1955 में इसकी शुरुआत की गई कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो ये चौबीस भाषाओं में दिया जाता है चौबीस भाषाओं में दिया जाता है लेकिन जो जिस भाषा से संबंधित है वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चार है क्या क्या तो एक तो हमारा मैथिली है ना एक हमारा बिहार से रिलेटेड है मैथिली भाषा में दूसरे यहाँ पर देखिए तो दूसरा हम हिंदी की बात करेंगे है ना तीसरा यहाँ पर हम बात करेंगे अंग्रेजी की और अंग्रेजी के साथ साथ बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है उर्दू है तो हम उर्दू की भी यहाँ पर बात करेंगे तो चार क्षेत्र में जो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ये पुरस्कार लिख लीजिएगा ये दो वाला पुरस्कार है दो का भी लेटेस्ट आया नहीं है तो हमारे पास दो है डेटा यही की हम यहाँ पर करेंगे ठीक है क्लियर अब देखिएगा यहाँ पर हम बात कर ले मैथिली की तो मैथिली के क्षेत्र में अजीत आजाद को दिया गया है किसको अजीत आजाद ठीक है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है अजीत आजाद ठीक है क्यों दिया गया वो भी बता दूंगा पहले नाम लिख लीजिएगा वही अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में जो दिया गया है ये बद्री नारायण को दिया गया है किनको तो बद्री नारायण ठीक है बद्री नारायण को दिया गया है अंग्रेजी वाले की हम बात करें तो अंग्रेजी वाला अनुराधा राय को दिया गया है किनको अनुराधा राय ठीक है अनुराधा राय जो है इनको दिया गया है और उर्दू के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उर्दू के क्षेत्र में अनीस असफाक नाम के इनका अनीस क्या नाम है इनका अनीस असफाक ठीक है इनको दिया गया है ठीक नाम पहले याद हो गया मैथिली में अजीत आजाद हिंदी में बद्रीनारायण अंग्रेजी में अनुराधा राय और उर्दू में अनीस असफाक अब क्यों दिया गया है देखिएगा अगर हम बात करें हिंदी वाला तो बद्रीनारायण को दिया गया इनका एक कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द है ना नाम क्या है यहाँ पर तो नाम है तुमड़ी के शब्द ये बातें समझ में आ गई उसके पश्चात मैथिली में अजीत आजाद जो है इनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी है ना पेन ड्राइव में पृथ्वी ठीक है ये इनकी कविता संग्रह है अनुराधा राय की एक नोवल है और उस नोवल का नाम क्या है तो उसका नाम है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड ऑल द लिवस है ना यही पर लिख देता हूं ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड ठीक है ये इनकी क्या है उपन्यास है और इसके लिए इनको अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और असफाक जो है इनका एक उपन्यास है ख्वाब सराब है ना नाम क्या है यहाँ पर तो नाम है यहाँ पर ख्वाब शराब ठीक है तो इनका ये उपन्यास है लिख लीजिएगा सभी लोग मैं स्क्रीन से साइड ही रह रहा हूं मैक्सिमम तो मैथिली के लिए अजीत आजाद को कविता संग्रह है पेन ड्राइव में पृथ्वी ना सही बात है वर्तमान में हमने देखा जाए तो इतने बड़े स्तर पर इंटरनेट में हमने काम किया है कि पेन ड्राइव में हमने पूरी पृथ्वी को समाहित कर रखा है पूरी पृथ्वी का यूनिवर्स और बहुत बढ़िया संग्रह है पेन ड्राइव में पृथ्वी बद्री नारायण जो है इनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द और इसको ध्यान रखते हुए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय का यहाँ पर एक नोवल है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड और इसके लिए इनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनीस अशफाक का यहाँ पर उपन्यास है ख्वाब शराब और इसको ध्यान रखते हुए इनको उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है देन? क्लियर चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा सा फिल्म जगत में चलें बहुत इंपॉर्टेंट भोजपुरी का नहीं होता है है ना भोजपुरी का नहीं होता यहां पर मैथिली है तो मैथिली मैंने लिखवा दिया भोजपुरी का नहीं होता ठीक बड़े आगे चलिए अब थोड़ा सा फिल्म जगत पर चलते हैं ऑस्कर अवार्ड की हम बात करते हैं अगला लिखिएगा ऑस्कर अवार्ड 2023 ऑस्कर अवार्ड 2023 और सबसे पहले बात करें कि ये संस्करण कौन सा रहा है ना तो ये नाइंटी रहा है ठीक है तो 2023 में जो संस्करण रहा वो पंचानबेवा अर्थात नाइन्टी फिफ्थ यहां पर वर्जन रहा है अब देखिएगा यहां पर सबसे बेहतरीन बात क्या सबसे बेहतरीन बात हम बात करेंगे यहां पर भारत की सबसे पहली बात भारत क्योंकि यहां से प्रश्न आने वाला है और पहली बार देखा जाए तो यहां पर भारत को दो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं है ना भारत के पास दो अवार्ड आए हुए हैं दो अवार्ड कौन कौन से तो पहले ध्यान एक तो ट्रिपल आर मूवी जो है इस मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग जो है, है ना नाटू नाटू सॉन्ग जो है इसको आया हुआ है और दूसरा देखें यहाँ पर तो एक यहां पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है है ना शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है इसको यहां पर मिला हुआ है ठीक तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है इसका नाम क्या है तो द एलिफेंट विस्पर्स है ना द एलिफेंट विस्पर्स ठीक है तो ये हो गया द एलिफेंट विस्पर्स जो है इसको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा जाए तो ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है और ट्रिपल आर का नाटू नाटू सॉन्ग जो है इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है ना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है इस कैटेगरी में 2022 का नोबल पुरस्कार मिला हुआ है तो भारत का ये दो लिख लीजिएगा है ना द एलिफेंट विस्पर्स और दूसरा नाटू नाटू सॉन्ग नाटू नाटू है ना नाटू नाट्यू पर डांस आप सबने देखा होगा अगर उस गाने पर प्रतिदिन दो तीन बार अगर आप लोग डांस करते हैं तो शायद जीवन में कभी ऐसा होगा कि आपके शरीर पर फैट नजर आए है ना इतना चर्चे में रहा है ये गाना और डांस भी इतना धाकड़ इनके द्वारा किया गया है कि सबसे हो नहीं पाएगा उतना फास्ट डांस और लगातार पांच साढ़े पांच मिनट तक करते रहना ये अपने आप में बहादुरी की बात है तो वो तो भैया शूटिंग हुआ थोड़ा सा करते होंगे रेस्ट लेते होंगे और एक गाना जो है तीन चार दिन में शूट हुआ होगा लेकिन रियल में अगर कोई पूरे गाने पर प्रतिदिन दो से तीन बार अगर उस गाने पर डांस करता है तो मोटापा जो है दूर दराज के क्षेत्र में भी नजर नहीं आएगा कि तो उसको पता होगा भैया ये नाठू नाटू वाला है है ना क्लियर चलिए इस गाने का लेखक याद रखेगा लेखक और कंपोजर है ना तो लेखक कौन है एक बार सभी लोग बताइएगा कंपोजर तो सबको पता है है ना इसके कंपोजर कौन है तो इसके कंपोजर है एम की ठीक है एम की जो है इसके क्या है कंपोजर है लेखक कौन है हाँ मूवी में कहा मूवी में रेगुलर डांस नहीं होती है मैं भी गया था है ना मैं भी एक दो दिन गया हूँ मूवी शूटिंग में उसके बाद वहीं पर डायरेक्टर से हाथ जोड़ लिया कि महाराज हमसे ना हो पाएगा भोजपुरी शूटिंग थी जो डायरेक्टर थे वो पिताजी के मित्र थे है ना तो घर पे आए हुए थे चाय पीने के लिए मुझे देखे बोले वाह लड़का ये है कौन आपका लड़का है है ना तो कैसे मतलब पोट लिए पिताजी को बोल रहे इसका चेहरा तो मूवी में आने के लिए है है ना हीरो जैसा लगता है और कैमरे पे एक मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करवा के भी वहीं पर दिखा लिया पिताजी को भी लग गया कि बेटा जो है हीरो बन जाएगा भेज दिए जाओ शूटिंग में सुबह छह बजे निकले हुए थे है ना सुबह छह बजे निकले हुए थे और रात को दस बजे में घर पे आया कितने घंटे हो गए तो इधर 12 चार 16 घंटे घर से बाहर रहा जिसमें से लगभग 12 घंटे तक शूटिंग चली हुई थी और इस पूरे बारह घंटे में पता है कितनी देर की शूटिंग हुई थी तीन साढ़े तीन मिनट की मैंने बोला धन्य है आपकी मूवी इतना ना हमारे पास आपके काम के लिए पेशेंस है और ना इतना मैं एक्टिंग कर पाऊंगा है ना तो वहीं पर मैंने हाथ हाथ जोड़ लिया बोला कि आप दूसरे एक्टर को ही यहाँ पर लेकर चलिए हम तो यहाँ पर चलने वाले नहीं अभी तो साइड एक्टर का ही साइड एक्टर का ही सारी चीजें मुझे मिला हुआ था मतलब दोस्त का जो मित्र होता है ना दोस्त के दोस्त के मित्र का रोल मुझे उन्होंने वहां पर ऑफर किया था एक दिन की शूटिंग के बाद मैंने हाथ जोड़ लिया हमसे ना पाया भैया बारह घंटा हमने शूटिंग किया है है ना और बारह घंटे में तीन साढ़े तीन मिनट शूटिंग किया तक हुई और आठ घंटे में से डेढ़ मिनट का एक्शन निकला हुआ था ना? और उसमें जो <laughs> एक्टर थे भैया उनकी तो क्या तबाही थी है ना हीरो मार रहा है वो धूप में पड़े हुए कांटों पर पड़े हुए वैसे ही लेटे हुए तब तक लेटे हुए जब तक डायरेक्टर ना बोल दे कि उठ लो है ना तो दस दस मिनट बीस बीस मिनट एकदम धूप में कांटों में लेटे हुए हैं वैसे ही पड़े हुए हैं है ना इतना हंसी आ रहा था आ, एक तो मैं इसमें भी थोड़ा सा काम किया था एक है ना आ, सजना मंगिया सजाइदा हमार है ना तो इसमें भी था मैंने सीन कट करवा दिया इसमें भी मैं एक दिन से ज्यादा मैं रुक ना पाया तो पूरी मेरी सीन नहीं हो पाई तो इसमें से इसको हटा दिया गया और एक याद नहीं आ रहा बहुत पहले जब मैं में था तब की ये बात है 2011-12 की बात है आज तो हम 2023 में खड़े हैं तो उसका नाम भी है ना मैं भूल चुका हूं ठीक है किरमानी नहीं है किरावनी है किरावनी एम एम किरा ठीक है क्लियर नहीं तो मैं भी होता एक्टिंग में होता लेकिन मुझसे हो ना पाया भैया कौन करेगा हम मान लीजिए तीन घंटा पढ़ते तीन घंटे में कम से कम एक दो चैप्टर तो कंप्लीट कर ही जाते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये हमें आता है और उधर बारह घंटे शूट करो डेढ़ दो मिनट तीन मिनट का सीन शूट हो हमसे ना हो पाएगा हाथ हाथ जोड़ दिया हाँ बिल्कुल मेरा सही है एकदम ऐसा है ना कि मैं बोलू दो दसवीं कब किए है 2010 में आठवीं कब किए है 2008 में दूसरी कक्षा में कब थे 2002 में थे ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ 2016 में है ना मास्टर कब कंप्लीट हुआ 18 में है ना तो ऐसे आप इजिली आप लोग याद रख सकते ये हो गया ये सब ने लिख लिया अब इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर और भी डेटा आपको यहाँ पर पता होने चाहिए जैसे अगर ऑस्कर की हम बात कर ले तो इस ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला हुआ है ना बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला हुआ है तो याद रखिएगा यहाँ पर बेस्ट मूवी कौन सी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम भी पता नहीं इतना बड़ा सब लिखते हैं सब है ना एवरीथिंग Everywhere, all at once. ठीक है ये जो मूवी है इसको ऑस्कर में बेस्ट मूवी चुना गया है और कल सोचा थोड़ा सा टाइम था तो कल सोचा कि थोड़ा सा देखते हैं अभी तक 10 मिनट एक मूवी लगभग मुझे 10 से 15 दिन लग जाते हैं क्योंकि उतना समय नहीं रहता कि मैं देख पाऊं तो कल सोचा कि चलो ऑस्कर मिला है तो एक बार इसको देखते हैं क्या है अभी तक 10 मिनट देखा है दस मिनट तक तो पूरा बकवास लगा हुआ है अब पता ना पूरे देखने के बाद पता चले कि इसको ऑस्कर में अवार्ड दिया गया है ठीक है उसके पश्चात सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर की बात कर लें तो बेस्ट एक्टर यहाँ पर कौन है तो लिख लीजिएगा बेस्ट एक्टर जो तो यहाँ पर यह है ब्रेंडन फ्रेजर है ना नाम क्या है इनका ये नाम है ब्रेंडन फ्रेजर ठीक है और बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लें तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया की पहली एक्ट्रेस है जिनको ऑस्कर का अवार्ड मिला हुआ है और इनका नाम है मिशेल यूह है ना ठीक है अंग्रेजी में देखा जाए तो अंग्रेजी में जैसा लिखा रहता है मिशेल पढ़ना पड़ेगा या मिशाइल पढ़ना पड़ेगा लेकिन हिंदी में इसका प्रोनाउंस है मिशेल यूह तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल यूह को मिला हुआ है बेस्ट एक्टर ब्रेंडर फेजर बेस्ट मूवी की बात करें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है ये यहां पर आपको हो जाता है ठीक है लिख लिया सबने क्लियर <coughs> इसी मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनको बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला हुआ है जिनका नाम है डेनियल क्वान ये आपसे नहीं पूछ जाएंगे तो इसको हम यहां पर ना करेंगे ठीक है क्लियर हो गया बढ़िया चलिए कहां का एक्टर है नहीं पूछ जाएंगे जो जहां के पर पूछा जाएगा वो सब लिखवा रहा हूं मैं भी बता दूं मैं भी लिमिटेड ही पढ़ता हूं जो चीजें नहीं पूछी जा सकती है उसको पढ़ने से कोई फायदा है आज देखिए पढ़ने वाले दो कैटेगरी होता है एक जो पढ़े जा रहा है है ना हार्ड वर्क कर रहा है दूसरा स्मार्ट वर्क कर रहा है तो स्मार्ट वर्क वाले की ही सिलेक्शन होनी है जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीजें लिखवाऊंगा नहीं बनेंगे तो कोई फायदा नहीं मैं खुद नहीं पढ़ता जहां से क्वेश्चन नहीं बनते तो फिर आपको कहां से करवाऊंगा ठीक है ना तो वही चीजें जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वही सारी चीजें यहाँ पर हम करते हुए चल रहे हैं ठीक है मिशेल यू है ना बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यू बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वो है ये बेस्ट मूवी पर ऑस्कर को दिया गया था ठीक चलिए अब एक यहां पर बात करें ग्रेमी अवार्ड है ना ग्रेमी अवार्ड जो है ये अवार्ड जो है भारतीय को मिला हुआ जिनका नाम है रिकी केज तो लिख लीजिएगा है ना यहां पर म्यूजिक कंपोजर है जिनका नाम है रिकी केज है ना? है ना ये भारतीय भारतीय म्यूजिक म्यूजिक कंपोजर कंपोजर और इनको देखा जाए तो फिर से ग्रेमी अवार्ड मिला हुआ है रिकी केज की बात करें तो ये तीसरी बार है ना थर्ड टाइम जो है तीसरी बार ये यहाँ पर विजेता बने हुए हैं है ना तीसरी बार तो एक बार दो बार नहीं दो बार पहले भी और ये तीसरी बार ग्रेमी अवार्ड जो है इनको यहाँ पर मिला हुआ है और ये अवार्ड जो है दो वाला है ठीक यहाँ पर बात करें एल्बम की बात कर ले सर्वश्रेष्ठ एल्बम यहाँ पर कौन रही है तो सर्वश्रेष्ठ एल्बम रही थी यहाँ पर हैरी हाउस की है ना हैरी स्टाइल ठीक है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है इनका वाला लिख लीजिएगा इनका जो यहाँ पर एल्बम रहा है है ना इसका नाम है डिवाइन टाइट्स है ना डीवाइन टाइड्स इनका एल्बम है और इसको ध्यान में रखते हुए इनको ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है डिवाइन डिवाइन टाइड्स टाइड्स ठीक है Divine Tides, किनका एल्बम है एल्बम रिकी केज का ये भारतीय म्यूजिक कंपोजर है देखिए ग्रेमी अवार्ड की बात करें तो ये देखा जाए तो जो म्यूजिक क्षेत्र है म्यूजिक क्षेत्र में बेहतरीन जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं उनको इससे सम्मानित किया जाता है ये आपका ग्रेमी अवार्ड है ठीक है तो म्यूजिक के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है रहा है ठीक क्लियर आइए बढ़े आगे हो गया सबका डन करें देखिए हर अवार्ड में अमाउंट नहीं पूछेगा ना खेल के क्षेत्र में अभी तक आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए और वो भी एक बार खेल के क्षेत्र में पूछा गया है कितना पैसा मिलता है बाकी ग्रेमी में क्या मिलता है आपसे नहीं पूछे जाएंगे ठीक है ना क्लियर अवार्ड में हर अवार्ड में पैसे ही नहीं मिलते कहीं कहीं पर क्या मिलता है तो एक आपको कप मिल जाएगा ठीक तो हर जगह यहां पर पैसे नहीं मिलते ठीक आइए अगला लिखिएगा अगला टॉपिक अभी हमारे पास समय है ना हाँ बिल्कुल एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा फिल्म फेयर पुरस्कार है ना फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 ठीक है वर्जन की बात करें तो वर्जन भी यहां पर याद रखेगा ये अड़सठवा यहां पर दिया गया अड़सठवा फिल्म फेयर पुरस्कार दो हजार तेईस यहां पर क्या क्या चीजें हमें देखना है तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ना सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला हुआ है बेस्ट मूवी की बात करें है ना बेस्ट मूवी सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो 2022 वाले में हमने पढ़ा था ना 2022 में किसको तो शेर शाह को मिला था 2023 में गंगू भाई काठियावाड़ी जो मूवी है इसको सर्वश्रेष्ठ मूवी कहा गया है कौन सा तो गंगू बाई काठियावाड़ी ठीक है गंगू बाई काठियावाड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है क्लियर लिख लिया सबने उसके पश्चात सर्वश्रेष्ठ यहां पर हम बात कर ले निर्देशक की है ना बेस्ट डायरेक्टर या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की है ना तो इसी मूवी के जो डायरेक्टर हैं निर्देशक हैं इनका नाम क्या है संजय लीला भंसाली है ना तो लिख लीजिएगा संजय लीला भंसाली जो हैं है ना भंसाली इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला हुआ है उसके पश्चात आगे हम बात कर ले है ना कौन सा बेस्ट एक्टर तो बेस्ट एक्टर जो है ये राजकुमार राव को है ना राजकुमार राव जो है है ना मूवी कौन सा तो बधाई दो मूवीज़ जो है इस मूवी में काम करने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है और चौथा यहां पर देखें बेस्ट एक्ट्रेस की तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है यहाँ पर मिला हुआ है आलिया भट्ट को है ना आलिया भट्ट को और यही जो गंगू बाई मूवी जो है इसमें काम करने के लिए मिला हुआ है ठीक है क्लियर लिख लिया सबने तो तीन तो एक ही से रिलेट कर देना है सर्वश्रेष्ठ मूवी जो है बेस्ट मूवी गंगूबाई गंगूबाई काठियावाड़ी इसी में काम करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को इसी में डायरेक्शन के लिए निर्देशन के लिए संजय लीला भंसाली को और एक अलग से बेस्ट एक्टर की हम बात कर ले तो राजकुमार राव और मूवी जो है बधाई दो मूवी में काम करने के लिए यहां पर मिला हुआ है क्लियर चलिए सुमन जी कहना है अड्डा पर बीपीएससी मेंस का तैयारी करवाया जाता है बिल्कुल करवाया जाता है और अब की बार अलग से मेंस का बैच भी आप सभी का लॉन्च किया जाएगा अभी तक अलग से बैच लॉन्च नहीं किया गया है लेकिन अब अलग से बैच भी लॉन्च किया जाएगा बधाई हो नहीं दो मूवी एक बधाई हो है एक बधाई दो है तो बधाई दो के लिए मिला हुआ है ठीक है ठीक है ज्योति जी क्लियर चलिए ये अवार्ड कौन देता है तो देखिएगा हर बार अलग अलग जैसे मान लीजिए सीए टायर हो गया तो उसके द्वारा ये अवार्ड घोषित कर दिया गया है ना कोई बड़ी कंपनी हो गई उसके द्वारा अवार्ड तो देखा जाए है, है? तो कन्वर्ट करना है, और फिर समस्या वही आ गई यहाँ पर मैं आप सभी को पीडीएफ कैसे उपलब्ध करवाऊँ ना पेन ड्राइव मेरा खो गया मिला नहीं और मेरे पास जो पेन ड्राइव है वो चल नहीं रहा है तो इसको मैं पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ अगर आप सभी को नहीं मिलता है अभी तो कल आते ही सबसे पहले याद लेगा पहले आप सभी को पीडीएफ में उपलब्ध करवा देता हूँ फिलहाल अभी मैं ट्राई कर लेता हूँ है ना कि पीडीएफ में आप सभी को कैसे उपलब्ध करवाऊ ठीक चल देखता हूँ मेल अगर इसमें हो जाता है एक दो मिनट बस वेट कीजिएगा अगर इससे मेल इस पर हो गया तो मैं तुरंत उपलब्ध आप सभी को करवा दूंगा नहीं तो आज मैं कहीं ना कहीं से है ना कहीं ना कहीं से आप सभी को मैं पेन ड्राइव आज इकट्ठा कर ही लूंगा ताकि आप सभी को इजिली मैं उपलब्ध करवा सकूँ तना ये है कि कौन सा है जीमेल इसमें लॉग इन नहीं है है ना? लॉग इन नहीं है तो कल मैं आप सभी को है ना कल मैं आप सभी को पीडीएफ दे दूंगा अभी फिलहाल जैसे ही सेशन समाप्त होगा तो उसके साथ ही आप सभी को वहां पर मैं संलग्न कर दूंगा है ना वहां पर वहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहां मिल जाएगा और अगर कल सुबह आते ही आप सभी लोग एक बार याद दिलाइएगा आज मैं पेन पेन ड्राइव ड्राइव दूसरा पेंड्रेव ले लूंगा ताकि समस्याएं ना हो पेन ड्राइव होता है तुरंत इसमें डाल के आप सभी को अपलोड कर देता घर तो पर तो सब कुछ जुड़ा हुआ है है ना मेरा पूरा सिस्टम मेरे लैपटॉप से ही जुड़ा हुआ है इसलिए तुरंत मैं दे देता हूँ अभी ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ ठीक है ना ठीक तो कल आप सभी लोग याद दिलवाइएगा बिहार कब होगा सर मिनिस्टर बिहार का भी बहुत जल्दी नंबर आएगा पहले हम ये नेशनल इंटरनेशनल कंप्लीट कर लें उसके बाद बिहार पर आएंगे तो बिहार का भी बजट भी करना है आर्थिक सर्वेक्षण भी करना है वहां का मंत्रिमंडल भी करेंगे विभिन्न योजनाएं भी करेंगे है ना तो सारी चीजें बिहार से भी कुछ भी आपका छूटेगा नहीं ठीक है तो फिलहाल के लिए है ना फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर अगर 11 बजे समय हो तो सब लोग उपस्थित होइएगा 11 बजे से हम है ना भारतीय राज्य व्यवस्था कर रहे हैं तो वहां पर भी आशा करता हूँ आप सभी को मजा आ रहा होगा फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद